हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाए टेली प्राइम में। एक्चुअली प्राइम आ चुका है, शायद वो ERP9 भी यूज कर रहे हो, तो प्राइम में मैं बता रहा हूं कि कैसे हमें ये स्टॉक ग्रुप बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। प्राइम की बात कर रहा हूं मैं, यहां चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ। अगर आप यहां पर डायरेक्ट जाते हैं तो आप स्टॉक ग्रुप नहीं बना पाएंगे। क्यों? जैसे यहां पर जाएंगे तो आपको यहां दिख जाएगा स्टॉक ग्रुप, आप जल्दी से यहां क्लिक करेंगे और यहां पर इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो आप स्टॉक ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट पर कर देना है क्लिक। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो वापस से लिस्ट ऑफ मास्टर्स खोल करके आएगी। अब यहां पर आपको जाना है स्टॉक ग्रुप पर, यहां पर आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे। तो एंटर प्रेस कर दीजिए, पहला ग्रुप है। अच्छा, ये स्टॉक ग्रुप होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप मल्टीपर्पज काम करते हैं, आपकी एक शॉप है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान रखते हैं, कुछ ग्रोसरी का भी सामान रखते हैं, कुछ फर्नीचर्स वगैरह भी रख रखा है, तो कई सारे काम करते हैं, तो आपको स्टॉक ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ सकती है। या फिर मान लीजिए कि आपकी एक किराना शॉप है जहां पर आप ग्रोसरी का भी सामान रखते हैं, ठीक है, आप रेडीमेड तेल आइटम्स यानी ऑयल के जो आइटम्स है वो भी रखते हैं, ठीक है, आप जो है जो सोप वगैरह है वो सारे स्टॉक आइटम भी रखते हैं, तो इनके लिए अलग से ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ सोप, ठीक है, तो इसमें अलग अलग साबुन के नाम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्राइमरी रखता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, जीएसटी अभी छोड़ रहा हूं, ये पहला हो गया सोप। यहाँ पे दूसरा करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस कर लिया, ठीक है। अब तीसरा यहां पे करता हूं मोबाइल्स, तो मोबाइल तो इलेक्ट्रॉनिक में ही आ जाएगा। यहां पर कर लेता हूं स्टेशनरी, ठीक है, ये कर लिया हमने। स्टेशनरी की स्पेलिंग एक बार सही कर लेते हैं, स्टेशनरी, ओके, तो ये हो गया, एंटरप्रेस किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ठीक है। स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम आप डायरेक्टली स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, हमने ग्रुप बना लिया है स्टॉक आइटम का। तो अब हम चलेंगे कहां, परचेज बाउचर में, तो यहां वी प्रेस कीजिए बाउचर्स में जाने के लिए। यहां से आपको क्या करना है, वी प्रेस करना है बाउचर्स में जाने के लिए। यहां पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो दे दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहां पर वो डेट दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 1 सितंबर रखा है, अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो कुछ और भी दे सकते हैं, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं, एंटरप्रेस करता हूं, ठीक है। यहां पर अगर आप कैश में एंट्री पास करना चाहें तो कैश में पास कर लीजिए, आप उधार में माल बिना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। कैसे खरीदेंगे, यहां पर राम क्रेडिटर, ये क्रेडिटर पार्टी का मैंने लेजर लगा दिया है, क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप उधारी में माल खरीद रहे हैं, आप उसका पेमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। और अगर आप कैश डायरेक्टली दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कैश में ही माल परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पे अभी उधारी का माल परचेज कर रहे हैं, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाना आता है तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और वहां जो आता है विंडो वहां पर आप दे दीजिए नेम में परचेज अकाउंट और उसे अंडर परचेज के ग्रुप में डाल करके एक्सेप्ट करा लीजिए। इतना करने के बाद यहां पर अब बारी है स्टॉक आइटम्स बनाने की, तो यहां पर चलते हैं स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं बना रहा हूं कीबोर्ड, ठीक है, ये लिखा मैंने कीबोर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है आपको भी पता है। यहां पर आए, अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो अंडर यहां पर देखिए तीन ग्रुप्स हमने बना रखे हैं, तीनों ग्रुप शो हो रहे हैं, तो ये इसे डाल देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। यूनिट तो एप्लीकेबल है नहीं, तो जब तक यूनिट बनाएंगे नहीं तब तक काम कैसे चलेगा, तो यहां कर देता हूं आइटम, आईटीएम लिख दिया हमने, और यहां पर करता हूं पूरा नाम दे देता हूं आइटम, ठीक है। और यहां पर कोड दे देंगे पैक्स, पैकेट, पीसेस जो भी हो, ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं पीसेस, ओके, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, ठीक है। और अभी जीएसटी की तो बात ही नहीं है, यहां पर 100 आइटम्स आप कीबोर्ड के परचेस कर रहे हो और एक कीबोर्ड पड़ रहा है 200 रुपए का, तो इसके हिसाब से यहां टोटल आ गया। अब दूसरा आइटम, जैसे मान लीजिए कि आप लक्स सोप खरीद रहे हो, लक्स, ठीक है, यहां पे लक्स लिखा हमने, एंटरप्रेस किया, यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर ग्रुप शो हो जाएगा, तो आपको यहां पे सोप रख देना है, ठीक है। यहां पर आइटम करता हूं मैं, आप चाहे तो यूनिट में और भी चीजें दे सकते हो, ग्राम में है, कितना ग्राम है, ये सारी चीजें दे सकते हो, ठीक है। आपने 500 लक्स सोप खरीदे हैं और एक की कीमत है आपकी 20 रुपए, ठीक है, उसके हिसाब से टोटल आ गया। अब यहां पर फिर आते हैं आपकी बारी, तो लीजिए मैं यहां करता हूं निर्मा, ठीक है, डिटर्जेंट,
ठीक है, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आइटम कर देता हूं या यूनिट में, यहाँ पे आइटम नहीं करेंगे इस बार, यहाँ पे यूनिट चेंज करते हैं, यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ केजी, यस किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ किलोग्राम। ओके एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे यूनिक कोड आ रहा है तो के प्रेस करेंगे किलोग्राम आपको शो हो जाएगा, आप यहाँ किलोग्राम कर लीजिए और यहाँ पर 3 कर देता हूँ क्योंकि आधा किलो भी तो हो सकता है तो पॉइंट में भी आ जाएगा ये, ठीक है, और ये कर लिया हमने। अब मान लीजिए कि आपने 50 किलो डिटर्जेंट परचेस किया है, ठीक है, और 1 किलो की कीमत पड़ रही है 50 रुपए, ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल आ गया, ठीक है। और अब इसको एंटर 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 प्रेस करके मैं कराता हूं एक्सेप्ट, ठीक है, चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं आप, मैंने नहीं डाला है, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब इसको जब देखना होगा तो कहां जाके देखेंगे, दो बार डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहां से देख लीजिए प्रिंट निकालना, वर्ल्ड के साथ पी प्रेस कीजिए और यहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और करंट पेज का प्रिंट निकालना है तो यहां से प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूं कैसा प्रीव्यू दिखेगा, ये देखिए इस तरह का कुछ प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ आ रहा है। ये सेटिंग आपको देखनी है कि ये कैसे करते हैं हम, तो ये इसके लिए भी वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर के टैली प्राइम में प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।